कोर्स मुझे ना इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर में, तो मैं कहूँगा npm कोर्स, तो ये पहले नंबर पे npm कोर्स आ गया, ठीक है। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी नीचे लेकिन शायद इन्होंने उड़ा दी है, तो खैर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। npm रोकना पड़ेगा मुझे सर्वर को, रोक के इसको मैंने इंस्टॉल किया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन इनके गिटहब की रिपॉजिटरी में होगी मोस्ट प्रोबब्ली, वैसे यहाँ पे भी हुआ करती थी, ठीक है जी। तो ये पूरा इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे करके चलता है, इन्होंने बोला भाई ऐसे करके आप लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप ये बन रही थी, ऐप के बाद मैंने कहा कि ऐप डॉट यूज कोर्स, अच्छा इसका मतलब ये है कि किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट आए उसको अलाउ कर दो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में इसको यूज़ करेंगे तो वो तरीका भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप कैसे चलाएंगे। आप ऐसे करके चलाएंगे कि भाई इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए तो आप अलाउ करो, ठीक है। तो वो तरीका भी इन्होंने बताया है यहाँ पर। मल्टीपल डोमेन भी आप अलाउ कर सकते हैं, इसमें एक जगह एरे करके इन्होंने तरीका बताया होगा, ये देखिए आप ओरिजिन में आप बुलियन भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, एरे दे सकते हैं, एरे इस तरह से कि भाई एक दो तीन चार जितने भी डोमेन आपको चाहिए कॉमा कॉमा डाल के आप कर दो, ठीक है। अच्छा ये इसकी ज़रूरत आपको सिर्फ उस केस में पड़ेगी जब आप अपने फ्रंट एंड को क्या कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड आपका किसी और डोमेन पे हो और सर्वर आपका किसी और डोमेन पे हो, जैसे कि सर्वर हमारा अभी 5001 के ऊपर है, तो इस केस में होगा सर, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा वैसे मैं डायरेक्ट उसको फाइल से चला क्यों रहा हूँ, मैंने तो वो बनाया हुआ है ना अपना, मैं लोकल होस्ट लिखूँगा। अच्छा चलो पहले वैसे करके देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ लगाई है तो उसको टेस्ट भी तो करेगा। अभी हमने कोर्स लगाया, अब हम इसको जब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो अब ये सही रिक्वेस्ट चली गई, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा इससे पहले ओके हाँ सही है, अब इसने वो वाला एरर नहीं दिया मुझे। वेल तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अपने सर्वर पर ये होस्टिंग वाला काम किया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, लोकल होस्ट 5001 पे चला देंगे, सही 5001 पे जब मैं चलाऊंगा और कराची लिखूंगा तो ये सही चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोर्स हटा भी दूँ तो भी अब सही चलेगा, क्योंकि सेम डोमेन पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कोर्स वाली लाइन को फिलहाल के लिए रोक देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन। अगर सेम डोमेन पे दोनों चीज़ें हैं तो आपको कोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी और डोमेन से एक्सेसिबल नहीं होगा आपका सर्वर। अच्छा तो अब हम करते ही हैं कि करंट ऑपरेशन इसका पूरा कर लेना, क्या ख्याल है, हमने क्या करना था, जैसे करंट ऑपरेशन करना था, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ वो तो करंट ऑपरेशन करते करते हम पढ़ देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसी ऐप का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, राइट। नहीं शायद मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने ये करना था कि इस HTML की ऐप को हटा के इसकी जगह रिएक्ट की ऐप लानी थी, मैं शायद मैंने ये सोचा होगा करंट ऑपरेशन के बाद। स्कीमा स्कीमा तो डेटाबेस में होता है, वो तो पढ़ा ही नहीं अभी तक हमने, अच्छा तुम पढ़ चुके हो, सही है, अच्छा अच्छा उसमें एक स्कीमा जा रहा था, अब मैं चाहता हूं एक साथ दो तीन स्कीमा एक साथ जाए, नाम फर्स्ट नेम सेकंड नेम। अच्छा तुम लोगों को मैंने जब डेटाबेस पढ़ाया था तो रिएक्ट के बाद पढ़ाया था, रिएक्ट से पहले पढ़ाया था, सही। तो एक काम करते हैं फिर हम अभी हाथ क्या डेटाबेस शुरू करते हैं। अच्छा डेटाबेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। अच्छा डेटाबेस जो है एक ऐसी जगह होती है क्लाउड में जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं और वहाँ से क्वेरी करते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा एक होती है स्टोरेज, एक होता है डेटाबेस, एक क्लाउड स्टोरेज होती है या स्टोरेज बकेट भी कहते हैं उसको प्यार से। तो स्टोरेज बकेट में और डेटाबेस में फ़र्क होता है, जैसे आपकी जो MP3 फाइल है, JPG फाइल है या कोई EXE फाइल है, इनको हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं इन जनरल, इनको हम क्या कहते हैं
बाइनरी फाइल्स या जिप फाइल हो गई या MP3 MP4 MPG जो भी आपके वीडियो के ऑडियो के जो फाइल होती हैं, इन सारी फाइल्स को हम इन जनरल बाइनरी फाइल्स कहते हैं। तो बाइनरी फाइल्स को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। उसको हमने कहाँ स्टोर करना होता है, स्टोरेज बकेट में, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, उसको हम डेटाबेस में स्टोर वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि डेटाबेस जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। स्टोरेज आपको मिल जाता है $4-5 मंथली में आपको मिल जाता है, 10-20 GB मिल जाता है, सही है, स्टोरेज बकेट जो है। ऑन अदर एंड जो आपका डेटाबेस होता है वो आपको $40-50 में 1 GB तक मिलता है, सही है, तो कहाँ 1 GB कहाँ 20 GB। तो यही वजह है कि डेटाबेस में हम किसी भी चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हम सेव करा सकते हैं। अगर हमारे पास एक इमेज आती है, आमतौर पर यह तासुर होता है कि इमेज को Base64 में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस में रखवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम रखवा नहीं सकते, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो रखवा दिया उसके अंदर, तो आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, डेटाबेस की ना कंजम्पशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो डेटाबेस में हम सिर्फ वो डेटा रखते हैं जिसको हमने क्वेरी करना है बाद में, इमेजेस को हमने क्वेरी नहीं करना होता, ठीक है। हाँ, इमेज हम सेव कराते हैं स्टोरेज बकेट में, उसका URL हम यहाँ पर रखवा देते हैं, ठीक है, इमेज का URL हम यहाँ पर रखवा देते हैं। तो वो जब भी मेरे पास जैसे पोस्ट है कोई या कोई प्रोफाइल है वो उठ कर आती है, तो साथ में URL होता है, वो हम सीधा सीधा इमेज के SRC में डाल देते हैं, वो खुद ही उसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो डेटाबेस समझ में आया कि डेटाबेस क्या होती है, जहाँ पर हम ना डेटा ऐसा डेटा रखवाते हैं जो हमें बाद में क्वेरी करना है। अच्छा, डेटाबेस ऑफ दी चॉइस जो है हमारे केस में दो तरह का डेटाबेस हो सकता है हमारे पास, एक होता है SQL और एक होता है NoSQL। कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि SQL में और NoSQL में क्या फ़र्क है? सही है, SQL कमांड के थ्रू चलती है, और ये नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये भी उसी तरह चलती है जैसे SQL चलती है, मतलब कमांड का लिखने का तरीका मुख्तलिफ है लेकिन चलती ये भी उसी तरह ही है जी। डेटा में मतलब ज़्यादा डेटा कैसे है, मतलब 1 GB में 2 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं? थोड़ा बहुत ज़्यादा कैसे होता है, मतलब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? गूगल करो, गूगल करके देखो सी जी। टेबल हाँ, SQL में टेबल और फॉर्म में होता है, इसमें डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में डेटा सेव हो रहा होता है। अच्छा, वो नाम चेंज कर देने से क्या होगा? इन्होंने डॉक्यूमेंट नाम रख दिया, उन्होंने रो नाम रखा हुआ है। जो SQL में एक रो होती है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है। SQL में जो टेबल होती है वो इसके अंदर एक कलेक्शन होता है, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई फ़र्क तो नहीं हुआ बेसिकली, ये तो सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है, या कुछ फ़र्क भी है? NoSQL में क्वेरी चलती है बिल्कुल, मतलब जब डेटाबेस से आपको डेटा निकालना होगा कुछ, तो आप कहेंगे ना स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3214 हो वो स्टूडेंट लेकर आओ, तो ये तो ऑप्शन होगा ना, वरना तो ये डेटाबेस की लिस्ट से ही खारिज हो जाएगा अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ। तो डेटाबेस तो नाम ही उसी का है जिसमें क्वेरी आप कर सकें जी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, SQL में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा होता है और NoSQL में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इसको मैं और बेहतर अगर अंदाज में बताऊं तो स्कीमा लेस होता है NoSQL में, ठीक है। स्कीमा लेस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, मैंने कहा स्टूडेंट में 4 चीज़ें होंगी, नेम, रोल नंबर, क्लास और सब्जेक्ट। अगर कोई 5वीं चीज़ आ जाए जस्ट इन केस, तो SQL में क्या होता है, वो बोलता है मना कर देता है, बोलता है कि यार ये 4 ही चलेगा, 5वां कुछ नहीं दे सकते आप। जो स्कीमा लेस है ये बोलता है आने दो, ये बोलता है आने दो। तो ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया,
स्कीमा लेस होता है। अच्छा, स्कीमा लेस होना कोई फ़ायदे की चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, कोई फ़ायदे की चीज़ नज़र आ रही है? स्कीमा लेस होने से फ़ायदा क्या हुआ भाई? एक फॉर्म है साइनअप का, उसमें चार खाने बने हुए, तो पाँचवा कैसे जा सकता है? उसमें पाँचवा तो जा ही नहीं सकता। तो ये कोई फ़ायदे की चीज़ हुई? इसमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है किसी को? है स्कीमा लेस होने का क्या फ़ायदा है? नहीं, जैसे फॉर्म से जो डेटा जा रहा है वो उसमें तो एक्स्ट्रा चीज़ जा ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है भाई। फॉर्म में खाने ही चार बने हुए तो पांचवी चीज़ कैसे चल जाएगी? अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि स्कीमा लेस होने का बेनिफिट क्या है। स्कीमा लेस होने का बेनिफिट ये है MongoDB का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मतलब MongoDB के अलावा भी बहुत सारे NoSQL डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मौजूद हैं, सही है? तो जितने भी स्कीमा लेस डेटाबेसेस हैं, इन सब की बात हो रही है। तो स्कीमा लेस होने का बेनिफिट ये है कि आपका डेटाबेस बिग डेटा को हैंडल करने की सलाहियत रखता है, ठीक है? बिग डेटा को हैंडल कर सकता है। बिग डेटा क्या होता है, कोई बता सकता है? ऐसी मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग हो तकरीबन सारे पता होना चाहिए। वट इज़ बिग डेटा? गूगल करो, गूगल कर सकते हो। और जिनको वैसे पता है वैसे बताए। ओपिनियन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है, कोई सही गलत नहीं है इसमें। बहुत सारे फॉर्मेट्स हो, रॉ डेटा जो होता है वो बिग डेटा होता है। नहीं तो बिग क्यों बोल रहे हैं फिर? मतलब बहुत सारे फॉर्मेट तो 4 MB का डेटा उसमें भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? और कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जी नहीं। बिग डेटा होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस? वो तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो तो एक अलग कहानी है ना। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा दोनों हो सकता है बिग डेटा के अंदर। नहीं चलो मैं अपना सवाल ना रिफ्रेस करता हूँ कि कौन सा ऐसा डेटा होगा जिसको मैं बोलूँगा कि ये बिग डेटा है? मतलब क्या उसमें ऐसा होगा जो मैं बोलूँगा ये बिग डेटा है? मिसाल के तौर पे क्या फेसबुक का जो डेटा बेस है क्या वो बिग डेटा है? मतलब किस बेसिस पे मैं क्लासीफाई करूँगा कि ये बिग डेटा है या नहीं है? कोई तो ऐसी बात होगी ना उसके अंदर जो आप मतलब देखो डेटा बेस तो पहले भी होते थे भाई। SQL के अंदर टेराबाइट्स में भी डेटाबेस बने हुए और वो इंटरनेट पर पड़े हुए भी हैं, आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओपन बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, सही है? तो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहें हाँ यार ये इसमें प्रॉपर्टी है तो ये बिग डेटा होगा? एक टाइम में कितने यूज़र एक्सेस कर सकते हैं? तो मतलब फेसबुक का डेटा एक टाइम में उनके मुताबिक 2 बिलियन यूज़र है उनके पास, तो 25% तो एक्टिव रहते होंगे एट अ टाइम। क्या ये बिग डेटा बोलेंगे इसको? बोलो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, सही गलत नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तीन प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो किसी भी डेटा के अंदर अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये बिग डेटा है। नंबर एक स्कीमा लेस, जो कि मैं बता चुका हूँ, सही है, उसका कोई स्कीमा नहीं होगा। फेसबुक का डेटा क्या स्कीमा है उसका? फेसबुक में जो पोस्ट करते हो क्या उसका कोई स्कीमा है? अच्छा स्कीमा मतलब ये होता है कि यार जैसे मैं डेटा बेस में ना शुरू में ही बता देता हूँ कि अच्छा नेम होगा, रोल नंबर होगा, क्लास होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी यूज़र साइनअप करेगा, चार चीज़ें देगा वो, ठीक है? अगर वो चार चीज़ों के अलावा पाँचवीं कोई चीज़ दे दे तो वो फिर स्कीमा के खिलाफ हो जाएगी बात। या कोई चीज़ एक कम दे दे, मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है, वो ना दे अगर तो भी स्कीमा के खिलाफ हो जाएगी बात, ठीक है? तो यानी स्ट्रक्चर कोई उसका भाई, जैसे फेसबुक की पोस्ट में क्या होता है, एक नाम होता है बंदे का, हर पोस्ट में नाम होता है कि किसकी पोस्ट है, एक टाइम होता है, उसकी एक प्रोफाइल फ़ोटो होती है, एक टेक्स्ट होता है, एक इमेज होता है, ठीक है? कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया, वो होता है। तो ये तो हर पोस्ट का स्कीमा है फिर एक,
तो ये स्कीमा लेस तो नहीं हुआ, तो यहीं पे ये बिग डेटा से बाहर हो गया, हो गया ठीक है। वैसे नज़र तो आ रहा है कि बिग डेटा से बाहर हो गया, लेकिन वो बिग डेटा है वो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे है। अच्छा, तो एक नंबर एक प्रॉपर्टी उसकी होगी कि स्कीमा लेस होगा वो डेटा, सही है। दूसरा ये कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उस डेटा का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब कि टेराबाइट्स में होगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ज़्यादा होने की ना कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि यार अगर इतने जीबी से ज़्यादा होगा तो, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा वक्त के हिसाब से जो भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा वही होगा। तो क्या फेसबुक के डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा है, कितना होगा? तो उनके मुताबिक 2 बिलियन यूज़र हैं, मैं ये मानता हूँ कि 20% एक्टिव होते हैं। ये 20% का मतलब क्या हुआ, 0.4 बिलियन, यानी 400 मिलियन। तो 400 मिलियन बंदे दिन में एक पोस्ट अगर करें तो 400 मिलियन पोस्ट हो गई। हाँ, 300 पीटा बाइट अभी तक वो कलेक्ट कर चुके हैं, सही है ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा डेटा आ रहा है। और नंबर तीन प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो ना फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक दिन अगर 400 मिलियन पोस्ट आ गई तो अगले दिन आपको वो ये नहीं बोलेगा कि टाइम ले लो थोड़ा प्रोसेस कर लेना, फिर हम अगले दिन दोबारा होगा, फिर उसके अगले दिन दोबारा होगा, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब डेली बेसिस पे आ रहा होगा या मंथली यानी आवरली बेसिस पे भी आ रहा होगा, तो इस तरह मतलब कंटिन्यूसली आ रहा होगा। एक मैं एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, फोन कॉल्स। तो फोन कॉल्स का वॉल्यूम तो फोन कॉल्स का भी ज़्यादा है भाई। फोन कॉल का वॉल्यूम कितना होगा एक दिन का, 20 करोड़ आवाम है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग, मतलब बाई द बुक 20 करोड़ आवाम है। 20 करोड़ में से 10 करोड़ के पास फ़ोन होगा, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे बच्चे के पास फ़ोन है। तो मैं 50% सेफ साइड इतना तो हो गई। हर बंदा अगर मेरे पास, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे पास तकरीबन रोज़ 20 से 25 कॉल्स आती हैं जिन पर मैं 1 से लेकर 5 मिनट तक बात करता हूँ, ठीक है। तो मोर और लेस इमेजिन कर लेते हैं, सिर्फ एक कॉल आई है और मैंने 1 मिनट बात की, 20 करोड़ लोगों के पास सिर्फ एक कॉल आई दिन में और उसने 1 मिनट बात की, तो कितने मिनट हो गए, 20 करोड़ मिनट हो गया। तो वॉल्यूम तो ज़्यादा है। अगर 20 करोड़ मिनट का जो MP3 है, ठीक है, मैंने कहा कि MP3 साइज कैलकुलेटर, ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने GB बन जाएगा 20 करोड़ मिनट अगर होंगे। तो मैंने कहा कि हल्की क्वालिटी में ले लो, 16 हर्ट्ज ले लो, बिल्कुल हल्की क्वालिटी। और मैंने कहा कि यार कितने 20 करोड़ मिनट्स हो गए ना, 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, करोड़ को उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू हंड्रेड मिलियन होता है, सही है। तो 200 मिनट्स टू आवर्स, ठीक है, तो ये कुछ 333 आवर बनता है। तो मैंने कहा भाई इतने आवर हैं, सही है, 16 हर्ट्ज में सेव करना है और स्टूडियो नहीं करना है, मुझे मोनो करना है, यानी एक चैनल होगा उसमें। और कहाँ साइज़ कहाँ बता रहा है, ये बिट रेट मैंने कहा 64 kbps का बिट रेट होगा, कैलकुलेट का बटन ही नहीं शो कर रहा है। पता नहीं, मेरे ख्याल इतना बड़ा नंबर देख के ही पागल वागल हो गया। चलो किसी दूसरी साइट पे चलते हैं ना, किसी दूसरी पे चलते हैं, हाँ ये वाली पे चलते हैं। क्वालिटी मैंने कहा भाई कितना होगा, और आवर की लेंथ है मेरी इतनी, और KBPS मेरा होगा, स्टूडियो नहीं होगा, मोनो होगा, एक चैनल होगा उसमें, और 44K की जगह मैंने कहा 16 हर्ट्ज़ होगा। सही है, तो कितने बन गए ये, टेराबाइट में कर देता हूँ इसको, 384 टेराबाइट बनते हैं
अगर 20 करोड़ लोग रोज़ एक मिनट की कॉल करें तो पहले में तो क्वालिफाई कर रहा है कि रोज़ 384 टेराबाइट का डेटा आ रहा है, तो वॉल्यूम तो है ज़्यादा। नंबर दो क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, दूसरी क्वालिटी कि भाई एक दिन हो रहा है तो अगले दिन भी तो होगी ना कॉल, उसके अगले दिन भी होगी, किसी दिन संडे वनडे आ गया तो ज़्यादा होगी। और ये भी मैंने बहुत सेफ साइड फिगर लिया है, वरना इससे कोई मतलब 100 गुना ज़्यादा नंबर आएगा अगर हम एक्चुअल फिगर्स में जाएंगे। नंबर तीन, स्कीमा लेस। क्या स्कीमा लेस है? वैसे तो देखने में स्कीमा है कि भाई जैसे मैं अगर कॉल इनिशिएट करता हूँ तो मेरा नंबर होगा, मैं किस टावर से कनेक्टेड हूँ वो टावर होगा, और मैं किसको कॉल कर रहा हूँ उसका नंबर होगा। जब उसका नंबर है तो उसका KYC हुआ होगा, उसका पूरा डेटा होगा, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, ये डेटा पता है, किस लोकेशन से किस लोकेशन पे कर रहा है ये भी पता है, और क्या कहते हैं और क्या क्या डेटा पता होता है, किस फ़ोन सेट से कर रहा है ये भी पता होता है, IMEI नंबर के थ्रू किस मोबाइल फ़ोन से कर रहा है। लेकिन क्या बात हो रही है, फोन बात क्या हो रही है ये लेकिन नहीं पता, किस जुबान में हो रही है ये नहीं पता। सही है ना, उस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच का हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, वो उस पर चलता है तो वो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, और वो ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि लैंग्वेज कौन सी है, फिर वो सेंटीमेंट्स भी डिटेक्ट कर लेता है कि भाई बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या कोई गाना सुना रहा है किसी को, या कोई निगोशिएट कर रहा है कुछ सामान खरीदने में, ये भी पता चल जाता है, सेंटीमेंट भी पता चल जाता है। फिर वो जो बंदा बात कर रहा है उसकी एज क्या है, क्या वो बच्चा बात कर रहा है, क्या वो बड़ा बात कर रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को पता लगाने में ना लगता है टाइम, प्रोसेसिंग पावर, और वो किसी के पास भी नहीं है, इवन CIA के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। लगता पता चल गया उनको कि उनके बारे में बात हो रही है। खैर, तो ये प्रोसेसिंग पावर ना किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, तो ये फ़ोन कॉल का डेटा बिग डेटा है। अच्छा, फेसबुक का भी डेटा बिग डेटा इसी वजह से, क्योंकि हमें ये तो पता है कि टेक्स्ट होगा और फोटो होगी, लेकिन उस फोटो के अंदर क्या है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई शादी की तकरीब चल रही है उस फोटो में, या दो लोग खड़े हुए हैं कैजुअली, या किसी ने सेल्फी ली हुई है, या कोई वीडियो है जो ट्रैवल ब्लॉग है, तो उस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई स्कीमा नहीं है। उसको पता लगाने का उसमें ऐसा नहीं कर सकता मैं कि इफ़ वीडियो इज़ इक्वल्स इक्वल्स वायलेंट देन डू दिस, वो तो कर ही नहीं सकता मैं। तो मुझे उसके लिए उस वीडियो को प्रोसेस करना पड़ेगा, AI वगैरह लगा के कुछ ना कुछ करके मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड दैट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग पावर जो कि किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एक और एग्जांपल मैं देने लगा था, ये जो इंटरनेट है ना आपका, इंटरनेट की जो ट्रैफिक है पूरी, जो हमारे पास सबमरीन से लाइन अंदर आई हुई है, तो वहाँ पे इंटरसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, हर मुल्क लगाता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वहाँ पे आपका जो हर क्लिक है ना, यानी जैसे आपने google.com पे लिखा कार्स, तो सामने से जो फ़ोटो आई है वो उस इंटरसेप्टर से गुजर के आती है, ठीक है, और उसकी एक कॉपी बन रही होती है, और क्या वो जो डेटा होता है वो बिग डेटा है जो वहाँ पे वो कॉपी करके रख रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने मतलब उस वक्त एक सबमरीन की केबल लग रही थी गवादर में न्यू, तो वो कह रहे थे कि कराची का जो लोड है ना, सिर्फ कराची का वो 600 GBPS है जो एट अ टाइम चाहिए होता है कराची को, आज से 4-5 साल पहले की रिपोर्ट है। वो कह रहे थे यार ये लाइन जब लग जाएगी तो हमारा जो है ना मतलब ऑफसेट थोड़ा पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। तो उस वक्त कराची हमारा 600 GBPS कंज्यूम कर रहा था। 600 GBPS का क्या मतलब, पर सेकंड में 600 GB का डेटा डाउनलोड कर रहा था या अपलोड कर रहा था। तो दिन में कितने सेकंड होते हैं,
सेकंड दिन डे लिखूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 86400, सही है। तो मैंने कहा 86400 और मल्टीप्लाई कितने, 600 GBPS पुराना डेटा, 600 GBPS मैंने कैलकुलेट मार दिया। तो पूरे दिन में इतने GBPS, अच्छा वो GB जो होता है वो असल में छोटा वाला B होता है, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से भी ताकि वो बड़ा वाला B आ जाए। ठीक है, KBPS में छोटा B होता है, बिट होता है, और GB के अंदर जो बड़ा B होता है बाइट होता है। पता है ना छोटे B और बड़े B का फ़र्क, पता है ना? नहीं पता तो किसी को अलग से गूगल कर लेना, क्योंकि जो इंटरनेट की स्पीड बता रहे होते हैं ना KBPS में, उसमें छोटा B लगाते हैं, बड़ा B नहीं लगाते। ठीक है, और वैसे किसी फाइल का आप राइट क्लिक करके चेक करोगे तो उसमें बड़ा वाला B होता है, दैट इज़ मीन बाइट। ठीक है, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से ताकि मैं बाइट में आ जाऊँ, तो ये मेरे पास बाइट्स आ गए। ठीक है, यानी GB बड़े वाले B के साथ। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब ये कितने बन गए, 64 lakh GB बन गया ना पर डे, 64 lakh GB। अब पता नहीं टेराबाइट में कितना होगा, वो कन्वर्ट मार के देख लेना। तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि भाई रुक तो नहीं रहे ना, इंटरनेट का रोक थोड़ी देते हैं, वो चल रहा है कंटिन्यूसली। और नंबर 3, स्कीमा लेस है, स्कीमा लेस भी है ना। अभी आप URL एंटर करते हैं, सामने से वेब पेज आता है, उस वेब पेज में क्या है वो, तो उसका तो कोई स्कीमा किसी ने ऐसे बोला है कि मतलब हम वेब पेज बनाएंगे तो ऊपर पहले हेडिंग में ये लिखेंगे फिर ये, काफ़ी हद तक बना हुआ है स्कीमा, नेविगेशन बार हर वेबसाइट में होगा, लेकिन किसी ने नहीं बनाया नेविगेशन बार, तो उसका कोई स्कीमा नहीं है। तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो भी, फ़ोन कॉल का भी कोई स्कीमा नहीं है। फ़ोन कॉल में कभी ऐसे होता है कि आपने फ़ोन किया, आप बात करते हैं कि भाई मैं बात करने की नियत करता हूँ अपने फूफा जान से, होता है ना जैसे दरख्वास्त लिखने का होता था कि बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहब, और गुजारिश अर्ज ये है कि मैं 3 मोरखा फला दिन से पता नहीं मुका, ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता ना फ़ोन पर, हर बंदे का एक अपना अंदाज है, अपना तरीका है बात करने में। तो ये स्कीमा लेस है डेटा। तो जदीद दौर की जो ज़रूरियात है ना, उनमें से सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि डेटा बेस आपका ऐसा हो कि कभी भी इन फ्यूचर आपको बिग डेटा हैंडल करना पड़े तो उसकी, उसके लिए आपको मसला ना करें। ठीक है, तो नो सीक्वल का जो स्कीमा लेस होना है वो स्कीमा लेस इस वजह से ताकि वो बिग डेटा को हैंडल करने के काबिल हो। अच्छा, उसके अलावा भी सीक्वल में और नो सीक्वल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे सीक्वल जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है कुछ केसेस में। अब वो केसेस में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। ख़ास तौर पे जब मल्टी रीजन डेटाबेस होता है हमारा, यानी पूरी दुनिया में अगर मैंने 10 या 12 जगह पे अपना डेटाबेस रेप्लिकेट किया था, और मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान से अगर कोई यूज़र कनेक्ट होता है तो उसको पाकिस्तान के डेटाबेस से डेटा ला कर दो, लेकिन अगर US से कोई होता है तो उसको मैक्सिको वाले सर्वर से ला कर दो, सही है। तो जब मल्टी, जैसे फेसबुक का जो डेटाबेस है वो मल्टी रीजन है, तो जब आप यहाँ से फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो वो न्यूयॉर्क वाले को फ़ौरन नहीं दिखता, वो आराम से अपडेट हो गया तसल्ली से। तो जब आप पोस्ट करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ वाले पे अपडेट होता है, जिससे भी आप, जो अभी आपका नियरेस्ट है जहाँ से आप कनेक्टेड हैं, न्यूयॉर्क वाले को वो थोड़ी देर में दिखता है आराम से। तो एक ये डिफरेंस है नो सीक्वल का और सीक्वल का। ऑन अदर हैंड जो बैंक यूज़ करते हैं ना सीक्वल, उसमें ये होता है कि वो सारी रीजन में एक झटके में अपडेट होता है, एक ही झटके में अपडेट होता है, तो वो क्या करता है वो सबको स्लो डाउन करता है। अब वो कुछ जगहों पर उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे कि जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो मीज़ान बैंक की जो ब्रांच यहाँ पर है और जो दुबई में, अगर यहाँ से मैंने ATM चलाया है पैसे मेरे निकल गए, तो अगले सेकंड अगर किसी ने दुबई से ATM चलाया तो उसको वो पैसे डिटेक्ट हुए हुए नज़र आने चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये थे, मैंने यहाँ पर ATM चला के वो निकाल लिया और मैंने फ़ोन पर कनेक्ट हुआ किसी के साथ दुबई में। ठीक है, ATM की कॉपी बहुत ईजिली बन जाती है, पता है ना आपको, वो मैग्नेटिक टेप होता है डेट सेट, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी खरीद के उसको, उसके स्कैनर आते हैं उससे कॉपी, आपने सुना होगा ATM में स्कैन हो जाते हैं, स्कैनर लगा देते हैं लोग, है ना, वो बहुत ईजिली कॉपी हो जाते हैं ATM कार्ड। तो मैंने अपने ATM कार्ड की, घर मेरे पास ही है ना, मेरी पोजेशन में ना, मैंने तसल्ली से उसकी कॉपी बनाई, कॉपी बना के जो बंदा या कॉपी बना के नहीं वैसे डेटा भेज दें तो वो भी, क्योंकि मैग्नेटिक टेप में कुछ नंबर्स होते हैं जो सेव हुए हुए होते हैं, मैग्नेटिक टेप पता है ना सबको क्या होता है, मैग्नेटिक टेप में बोलता तो जा रहा हूँ लेकिन समझ आ रहा है क्या होता है, जैसे जैसे USB होती है ना,
उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, जैसे सीडी होती है उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, इसी तरह कैसेट देखिए तुम लोगों ने, कैसेट वीसीआर वाली कैसेट या टेप में जो ऑडियो कैसेट होती है उसमें एक टेप होता है ना जो ब्लैक कलर का, उसमें भी डेटा बिल्कुल उसी तरह सेव होता है जैसे यूएसबी में होता है, आप उसमें कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके जो एटीएम कार्ड के पीछे असल में लगा हुआ था ना ब्लैक सा, वो जो कैसेट वाली तार होती है ना कैसेट की, वही होती है वो एक्चुअल में, ठीक है। उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको जब राइट करते हैं तो वो उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं, सही है। जब आप इसको स्वाइप करते हैं या स्कैन करते हैं तो वो क्या होता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है वो उस नंबर को रीड कर लेती है उस काले वाले डब्बे में से, और उस नंबर के थ्रू वो पेमेंट हो जाती है, ठीक है। समटाइम वो स्कैन नहीं होता तो फिर वो देख के हाथ से भी नंबर टाइप कर देता है ना, तो मतलब उस टेप में एक नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो अभी नए वाले बन जाने ना, वो नहीं बंद क्यों करेंगे, वही तो है क्लासिक, तो वही तरीका है क्लासिक तरीका, तो नहीं वो टैप खतरनाक है ना, लेकिन टैप खतरनाक है, टैप वाला कार्ड मेरे पास भी टैप वाला है, लेकिन जो कार्ड टैप वाला है ना उसमें मैं पैसे नहीं रखता, सही है वो, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह पे ना लोग बड़े वो होते हैं, वो मतलब ऐसे, क्योंकि टैप वाले में भी फिर हमारे पास बैंक्स में लिमिट सेट करने का ऑप्शन नहीं है। अभी पिछले दिनों मतलब जो डेली ड्राइवर है वो टैप वाला ही कार्ड है, डेली ड्राइव जिसको करना हो, अब वो सम टाइम टैप करो ना तो वो पिन विन नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, आगे कर देते हैं। लास्ट टाइम 10,000 तक की पेमेंट टैप से जा रही थी, मैं अभी पिछले दिनों मैंने 2500 रुपये का पता नहीं कुछ परचेज़ किया तो पिन मांगने लग गया, ठीक है। तो वो सेट करने का ऑप्शन होना चाहिए मोबाइल ऐप में कि भाई इतने तक ना पिन ना मांगे मुझसे। अब पता नहीं किस पे होगा, मेरे हिसाब से तो बड़ा एक, जैसे आप जा रहे हो ना, आप जा रहे हो तो मतलब मर्चेंट जो है मोबाइल पर भी एक्टिवेट हो जाता है, पता है ना आपको, मोबाइल पर भी NFC है आजकल हर चीज़ में, तो अगर कोई आपसे ऐसे टकरा के आपकी जेब से मोबाइल टच करेगा ना तो पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए लोग वॉलेट यूज़ करते हैं, वो एक वॉलेट मतलब वॉलेट हम लेदर का यूज़ करते हैं ना, तो लेदर का वॉलेट सेफ नहीं है, वो एक लेदर होता है जिस उसके अंदर एक पता नहीं क्या मेटल लगा हुआ होता है, कोई प्लास्टिक होती है जिससे वो रेज पास नहीं होती, तो वो सेफ वॉलेट यूज़ करते हैं टैप वाले का, तो एक आपके लिए हडल बढ़ता जा रहा है ना। तो अभी तक क्लासिक तो स्वाइप ही है, फिर वो सिम कार्ड वाला एक ऑप्शन है, सिम कार्ड का लेकिन प्रॉब्लम ये उसमें रस्ट हो जाता है, रस्टी हो जाता है, तो वो भी जो प्रोडक्शन में चल रहा है वो स्वाइप ही चल रहा है अभी भी। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, जो मैग्नेटिक टेप है ना वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है इनके मुकाबले में, USB और DVD के मुकाबले में रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा है। अब वो क्यों ज़्यादा है, उसमें ऐसा क्या है जो USB में नहीं है और DVD में नहीं है, वो आप जो अलग से गूगल कीजिएगा कि वाई सम डेटा सेंटर्स स्टिल यूजिंग मैग्नेटिक टेप। हमारे PIA में भी मैग्नेटिक टेप चल रहा है, सही है। और ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ डेट है, उनको पता नहीं है, वो असल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट अभी जो है ना वो मैग्नेटिक टेप ही है। कॉस्टली है ज़्यादा, बहुत कॉस्टली है एज कम्पेयर टू SSDs, वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अब ऐसा क्यों है वो आप अलग से गूगल कीजिएगा, वरना वो बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो हमने ये देखा कि भाई थोड़ा सा डेटाबेस को देख लिया, अब हमने डेटाबेस बनाना कहाँ पे, MongoDB.com। अच्छा, एक डेटाबेस होता है, एक डेटाबेस की होस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये हम डेटाबेस की होस्टिंग डायरेक्ट ले रहे हैं। MongoDB.com क्या करता है, आपको 500 MB का फ्री डेटाबेस देता है, सही है। तो यहाँ पे आप जाएंगे MongoDB.com पे, लॉगिन विद गूगल आपने करना है सिंपली, और लॉगिन विद गूगल करने के बाद आपने आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा एक चुनना मुन्ना सा। अभी रखेंगे ना यार, अभी करेंगे, डेटाबेस के साथ ही करेंगे। नहीं अभी नहीं, डेटाबेस करके फिर उसके बाद करेंगे। अच्छा, अच्छा देखो, मेरे पास ना ये डैशबोर्ड खुल गया, इसको डैशबोर्ड का कहते हैं MongoDB एटलस। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे देखो डेटाबेसेस के अंदर जब मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो क्लस्टर 0 के नाम से एक डेटाबेस बना हुआ आ रहा है पहले से, सही है। आपके पास ये बना हुआ नहीं आ रहा होगा, आपके पास लिखा हुआ होगा क्रिएट क्लस्टर, ये क्रिएट आ रहा है ना, ये क्रिएट का बटन दबाओगे आप तो क्रिएट न्यू क्लस्टर का ये ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें आपने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई है ना उसी पे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है।
इसमें आप देखो ये जो टीयर्स है ना इसके, अच्छा मेरे एक क्लस्टर फ्री होता है सर, मैं दूसरा क्लस्टर नहीं होता फ्री, तो इसलिए मेरे पास ये फ्री वाला ऑप्शन ये दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास वो फ्री वाला ऑप्शन आ रहा होगा कि 500 MB फ्री डेटाबेस, उस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कि आपका डेटाबेस क्या हो रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है, और 5-6 मिनट के अंदर आपको इस तरह का UI दिखने लग जाएगा जैसा आपका अभी मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें जाने के बाद आपने ना दो काम आपने और करना है। नंबर एक काम, सिक्योरिटी में जाके नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करके ना आपने क्या करना है, ये IP एड्रेस इसमें ऐड करना है, सही है। मेरे पास ऑलरेडी ऐड हुआ है, आप क्या करेंगे, ऐड IP एड्रेस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप ये वाला IP एड्रेस डालेंगे, 4x0 और /0। ये IP एड्रेस कौन सा वाला है कि कहाँ से आपका डेटाबेस एक्सेस किया जाए तो उसको करने दो, कहाँ से आपका डेटाबेस एक्सेस किया जाए तो उसको करने दो। आमतौर पर यहाँ पे हम डालते हैं अपने सर्वर का IP एड्रेस, यानी कि साइक्लिक, हमारा सर्वर इस वक्त साइक्लिक है तो उसका IP एड्रेस डालते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम डेवलपमेंट मोड में हैं तो हम यहाँ पे 00 डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो फिलहाल हम ये रखेंगे, वंस आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपके सर्वर का IP एड्रेस आपको पता होगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उससे होगा ये कि आपके सर्वर के अलावा कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी किसी दूसरे IP से तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, तो नंबर एक चीज़ ये हो गई। नंबर दो चीज़ आपने क्या करना है, डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस में ना आपने करना है ऐड यूज़र, और जैसा कि आप देखें मेरे पास दो यूज़र इस वक्त ऐड हुए हैं, एक का नाम है user123 और दूसरे का नाम है DB user। तो दो यूज़र मेरे पास ऐड हुए हैं, ये यूज़र कौन से वाले हैं, एक तो आप साइनअप हुए हो ना इधर आके MongoDB एटलस पे, लॉगिन गूगल किया आप डैशबोर्ड पे आ गए, एक तो ये यूज़र साइनअप हुए, ये अलग है। ये वाला यूज़र वो है डेटाबेस का यूज़र है। मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस बनाया, आपने आप क्लाइंट हो, आपने डेवलपर को एक्सेस देना है इस डेटाबेस का कि वो इस पर काम कर सके, तो वो ये वाला मैं यूज़र बना कर दूँगा उसको, और जो मेरी सर्वर से जब मैं कनेक्ट करूँगा अपने डेटाबेस को तो उसमें भी ये वाला यूज़र मुझे चाहिए होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने कर ली। वापस मैं डेटाबेस में आ जाता हूँ, और वापस डेटाबेस में आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो कनेक्ट का बटन है ये प्रेस करूँगा मैं। कनेक्ट का बटन प्रेस करते ही इसने मुझे चार ऑप्शन दिया, ठीक है, चार ऑप्शन मुझे दिया इसने कि भाई कैसे कनेक्ट करोगे आप। मैंने कहा कनेक्ट योर एप्लीकेशन, मेरी एक एप्लीकेशन है उससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको, नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि यार आपका ड्राइवर कौन सा है, Node.js है। देखो सर्वर किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, PHP, Python, Ruby, Rust, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर Node.js सेलेक्टेड है तो मैं Node.js पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सही है। वर्जन जो है लेटेस्ट 4.1 चल रहा है वही है। अच्छा, नीचे इसने ना इस बिहाफ पे, ऊपर जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है उस बिहाफ पे नीचे इसने मुझे क्या बना के दे दिया, एक स्ट्रिंग बना कर दे दिया। इस स्ट्रिंग को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने क्लोज का बटन दबा दिया। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये URL में यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, इस URL में आप देखो दो चीज़ खाली छूटी हुई है, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, तो मैंने इन दोनों को क्या कर देना है, हटा के इसमें एक्चुअल DB user DB password, ठीक है। ये मुझे पता है मैंने यूज़र का यही नाम रखा हुआ और यही पासवर्ड रखा हुआ है, तो ये मैंने लगा दिया। तो ये मेरा URL तैयार है जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस में कनेक्ट करके उसमें डेटा डाल सकता हूँ और उससे डेटा वापस मांग सकता हूँ। अच्छा, डेटाबेस कनेक्ट अब कैसे होगा, उसका कोड क्या है डेटाबेस को कनेक्ट करने का, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोंगोस, ठीक है। तो मोंगोस पे चलते हैं और इसके गेटिंग स्टार्टेड में देखते हैं इन्होंने कैसे करके बताया है। इन्होंने बोला भाई आप ना MongoDB इंस्टॉल करो, कैसे करके इंस्टॉल करो, आप बोलो npm mongos enter, mongos हो गया, उसके बाद आप ऐसे करके इसको रिक्वायर करो और ऐसे करके कनेक्ट कर दो, ठीक है, ऐसे करके रिक्वायर करने बोला है। अच्छा, हम क्योंकि नई वाली JavaScript पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, सही हो गया जी। अच्छा, तो ये हो गया।
इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट को अगर ऊपर वालों के साथ मैं मिला देता हूँ, क्या किया मैंने। अच्छा मोंगोज डॉट कनेक्ट के अंदर ना देखो एक यू आर एल लगा हुआ है जिसमें लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप मोंगो डी बी को अपनी मशीन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और आपकी ही मशीन में फिर डेटा स्टोर हो रहा होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्लाउड वाला सीखेंगे, क्योंकि लोकल इंस्टॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है फिलहाल, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में जो भी आप ऐप बनाकर देंगे वो आपकी मशीन में थोड़ी डेटा स्टोर करेगा, फिर हर वक्त अपना लैपटॉप ऑन थोड़ी रखेंगे आप, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, क्लाउड में होस्ट करेंगे और सर्वर भी आपका क्लाउड में ही है। तो हम डायरेक्ट क्लाउड वाला पढ़ रहे हैं। आमतौर पर वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में वो मोंगो डी बी लोकली इंस्टॉल करना बताते हैं और पूरे कोर्स में लोकली ही चल रहा होता है और एंड में फिर सम टाइम बता देते हैं कि उसको होस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हम पहले दिन से ही वो वाला करते हैं जो हमें एक्चुअल में करना है जो। अच्छा तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा कॉन्स्ट मोंगो डी बी यू आर आई इक्वल्स टू दिस, सही है, एक यू आर आई मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया और मैंने कहा भाई ये कनेक्ट के अंदर ना आप क्या दे दो, कुछ इस तरह से कर लिया मैंने, सही है। अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मोंगो डी बी कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि मोंगो डी बी कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा, हाँ कनेक्ट डिसकनेक्ट वाले जो है ना वो इवेंट्स हैं इसके। तो मैं github.com पे जाता हूँ और वो वाला कोड ज़रा कॉपी करके लिया, वो डॉक्यूमेंट्स में भी इनके हैं लेकिन वो थोड़ा उस तरह से नहीं है, सीक्वेंस से नहीं है। क्या था वो, टू ए, ये ना इन लोगों को मैं करवा चुका हूँ ये वाला कोड, तो यहीं से कॉपी करता हूँ। नॉट जेएस और अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, ये बिल्कुल लास्ट में जाके ना ऐप डॉट लिसन के भी बाद ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड है क्या वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। वो डी बी यू आर आई भी अपना वाला इसमें बल्कि सेम ही है, ये वो सेम ही है, वो यू आर एल जो है सेम है, वो ए बी सी डेटा बेस, ए बी सी डेटा बेस, सही है। ऊपर से मैंने हटा दिया, नीचे वाला ही काफ़ी है। तो अब देखो इस कोड में क्या लिखा हुआ है, पहले तो डी बी यू आर आई लिखा हुआ है और मोंगोज डॉट कनेक्ट हुआ है, उसके बाद मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट ऑन कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो ये लिखा आ जाएगा स्क्रीन पर कि मोंगो डी बी इज़ कनेक्टेड, अगर डिसकनेक्टेड हो जाएगा तो ये लिखा आ जाएगा, अगर एरर हो गया तो मोंगो डी बी कनेक्शन एरर और वो क्या एरर है वो भी लिखा आएगा स्क्रीन पर। और ये सिग इंट क्या चीज़ है, अगर मैं हाथ से उसको रोकूंगा, कंट्रोल सी दबा के मैं रोकूंगा, तो कंट्रोल सी दबा के रोकने पर ये क्या करेगा, मोंगो डी बी के कनेक्शन को क्लोज करवा देगा, कनेक्शन को ओपन नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है कि डेटाबेस के एंड से वो कनेक्शन खुला हुआ होता है लेकिन मैं उससे कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो एक वल्नरेबिलिटी काउंट होती है ये। अच्छा इसी तरीके से अगर एरर आ जाता है कोई भी कनेक्शन एरर में, तो ये प्रोसेस डॉट एग्जिट का मतलब क्या है कि इस एप्लीकेशन को ही क्रैश करवा दो, एग्जिट करवा दो। तो अगर मेरा डेटाबेस किसी भी वजह से डिसकनेक्ट होता है तो मेरा सर्वर ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अच्छा मेरा सर्वर रुकने का फ़ायदा क्या होगा, मेरे सर्वर के रुकने का फ़ायदा ये होगा कि आम तौर पे हमारे यहाँ जो नॉट जे एस का सर्वर हम बनाते हैं ना, नॉट जे एस की ऐप जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो सेल्फ हीलिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, सेल्फ हीलिंग एनवायरनमेंट समझ लो कि अगर किसी भी वजह से सर्वर क्रैश होता है या सर्वर रुकता है तो वो सर्वर को दोबारा चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वैसे रैंडमली अगर कोई एरर आ गया बगैर किसी वजह के तो वो सेल्फ हील हो जाता है, डेटाबेस क्या होता है डिस्कनेक्ट होता है, ऐप क्रैश होती है, ऐप दोबारा रिस्टार्ट होती है, सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो सम टाइम ईमेल भी भेजता है आपको, अगर वो बार बार क्रैश हो रही है ना तो आपको ईमेल भेजता है कि भाई आपकी ऐप क्रैश हो रही है, फटाफट खोल के देखो क्या मसला है। तो इस वजह से हम ऐप को भी एग्जिट करवा देते हैं हाथ के हाथ, ताकि अगर कोई मसला हो ना तो वो सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म जो हरकत में आ जाए। अगर मोंगोडीबी डिस्कनेक्ट होता है या एरर होता है, दोनों सूरतों में मैंने एग्जिट करवाया है, अगर कनेक्टेड है तो फिर मुझे एग्जिट करवाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया। तो अब ज़रा इसको देखते हैं, मैं एप्लीकेशन को रोकता हूँ अपने, और रोक के इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से npm run dev चलाता हूँ। तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे देखो MongoDB is connected लिखा हुआ आ गया। अगर मैं DBURI को जाकर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पे यूज़र का D हटा दूँ, तो क्या होगा, अब कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ आ गया, MongoDB disconnected। सही है, मैं वापस से सही कर देता हूँ DB user, और अभी कनेक्ट हो गया दोबारा से। अब मेरा MongoDB क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम, अब मैंने APIs बनानी है, प्रोडक्ट की API बना लेते हैं, ठीक है, या टू डू बना लेते हैं। दो चार टू डू स्कीमा क्या, हाँ वही प्रोडक्ट हुई ना, फिर वो हमारे पास एक पेज होगा जिसमें एक फॉर्म बनवा रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट इसी तरह होती है ना, जो ई कॉमर्स के जो एडमिन डैशबोर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, कोने में एक बटन होता है ऐड अ प्रोडक्ट, ऐड अ प्रोडक्ट करता हूँ फॉर्म खुलता है, प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है, यही होता है ना। तो इस तरह का कुछ हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, MongoDB का स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा भी मैं कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह का होता है स्कीमा। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो गया, एक अदद स्कीमा, ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है, इसी तरह आपको लिखना होता है ये। अच्छा, स्कीमा का एक अदद नाम होगा, टू डू स्कीमा था, इसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा। सही है, प्रोडक्ट स्कीमा, कि मेरा स्कीमा एक इस तरह का होगा। अच्छा, शुरू में मैंने जिक्र किया था कि भाई हमारा जो MongoDB है वो स्कीमा लेस है, तो फिर हम यहाँ पे स्कीमा क्यों बना रहे हैं, हम स्कीमा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इस वक्त नो सीक्वल बिग डेटा वाली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं वो स्कीमा वाला हमें चाहिए। अच्छा, इस स्कीमा से हमें वैलिडेशन मिल जाती है, इस स्कीमा से हमें बहुत चीज़ों में हेल्प आउट होता है। फिर दूसरा ये है कि जो लोग सीक्वल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको थोड़ा घर घर से फील होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम स्कीमा बना रहे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी बगैर स्कीमा की, तो फिर हम स्कीमा नहीं बनाएंगे बगैर स्कीमा के, लेकिन वो वाला टॉपिक फ़िलहाल हम कवर नहीं कर रहे कि बगैर स्कीमा के ये चलेगा कैसे, ठीक है। वो जब ज़रूरत पड़ेगी, तो जब तक आप इस काबिल होंगे कि आपको वो सब पता होगा। अच्छा, तो प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए और बताओ, प्राइस, कैटेगरी। अरे भाई, एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी कहाँ से आ गई इसमें, प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल होगा, हाँ कलर होगा, हाँ एक अदर आईडी भी होगी इसकी, बल्कि आईडी तो डेटाबेस खुद ही दे देता है, वो वाला देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ये हमें जनरल चीज़ चाहिए, कलर इज़ नॉट जनरल शेड, तो हमें जनरल चाहिए, मतलब प्राइस हर प्रोडक्ट का होगा, कलर लेकिन हर प्रोडक्ट का नहीं होगा, साइज भी हर प्रोडक्ट का नहीं होता, सही है। तो फिलहाल हम इसको मिनिमल रखते हैं, थोड़ा मिनिमल रखते हैं, नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, सही है। अभी इमेज हमने सीखा नहीं है ना, तो इमेज को छोड़ देते हैं। इसमें से नेम मैंने रिक्वायर्ड रखा है ट्रू, और प्राइस वगैरह अगर ना भी मिले तो चलेगा, सही है। अभी स्कीमा में मैंने ये डिज़ाइन रखा है, स्कीमा में क्रिएटेड ऑन जो है वो क्या चीज़ है, उसकी टाइप रखी है मैंने डेट, देखो यहाँ पे टाइप है, टाइप स्ट्रिंग, इसका टाइप नंबर रख देता हूँ मैं, ठीक है, टाइप नंबर, कैटेगरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग, एक टाइप है डेट। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये टाइप और कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा MongoDB की, ये मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में, मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके लिखेंगे मोंगोस स्कीमा टाइप्स, तो वो आपको ले जाएगा कि भाई कौन कौन से जो है ना स्कीमा टाइप्स हो सकते हैं, इसको आप चाहें तो स्टडी कर लेंगे अलग से। ये स्कीमा टाइप्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बूलियन, मिक्स, डेसिमल, मैप, ये सारे स्कीमा टाइप्स हो सकते हैं, और इसको बनाने का लगाने का तरीका ऐसे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप आगे अलग से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास स्कीमा जो टाइप्स है वो नंबर, स्ट्रिंग और डेट इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ ही मैंने कहा कि भाई डेट तो टाइप हो गई इसकी, डिफ़ॉल्ट इसका क्या कर दो, डेट डॉट नाउ, कि अगर ये क्रिएटेड ऑन यूज़र की तरफ से प्रोवाइड ना किया जाए तो आप क्या करो,
करंट टाइम जो भी डेटाबेस का है ना वो इसमें रख दो, ठीक है। तो ये मैंने एक चीज़ रख दी इसमें क्रिएटेड ऑन। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट स्कीमा हो गया। अब स्कीमा से मुझे क्या बनाना होता है, मॉडल। तो मैं स्कीमा इधर पास करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये प्रोडक्ट का स्कीमा है, ठीक है। अच्छा, इस स्कीमा के नाम में ना अगर आप एस नहीं लगाते, एस लगाना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो डेटाबेस खुद से एस लगा देता है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट में एस लगाएंगे आप, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मॉडल का कोई भी नाम जो कि आप यूज़ करेंगे इसी कोड के नीचे। आपने कहा कि प्रोडक्ट मॉडल, सही है। तो ये काइंड ऑफ आपका क्या है, बॉयलर प्लेट कोड है। अगर आपको एक और भी कोई एंटिटी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ आपको यूज़र्स चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए अलग से स्कीमा बना लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स का एक स्कीमा हो सकता है कि जितने स्टूडेंट्स साइन अप होंगे वो स्कीमा बना होगा उनका पहले से, ठीक है। तो फिलहाल हम एक सिंगल स्कीमा पे काम करते हैं, क्रड ऑपरेशन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, गेट करेंगे और एडिट और डिलीट करने की हम उसको कोशिश करेंगे। अच्छा, कितने बजे है, 5 मिनट है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक अगर API बनानी है, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। जब सर्वर पे कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है, सर्वर पे कुछ भेजना होता है, तो रिक्वेस्ट बनती है पोस्ट की, और इसमें नाम क्या रखूँगा मैं इसका, स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, क्या रखूँगा नाम इसका, सही है, सिर्फ प्रोडक्ट इसका मैं नाम रखूँगा, और वो REST API के प्रिंसिपल्स की वजह से रखूँगा। वो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से वो क्या क्या बताते हैं। और अच्छा, तो मैंने कहा ऐप डॉट पोस्ट प्रोडक्ट्स, अब ये प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे चीज़ मिलेगी जो फ्रंट एंड से भेजी गई है। अच्छा, तो बॉडी ना मुझे ऐसे नहीं मिलेगा, बॉडी के लिए मुझे एक चुनना मुन्ना सा काम और भी करना होगा। बॉडी क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है तो उसको मुझे पार्स करना होता है, सही है। तो मुझे ना ये ऐप इनिशियलाइज करने के बाद ये एक लाइन लिखनी होगी, अदरवाइज मुझे बॉडी नहीं मिलेगी उसकी, ठीक है। तो ये लिखने के बाद मुझे बॉडी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने से कि क्या मिलेगा मुझे बॉडी में, ठीक है। बॉडी को मैंने सेपरेट कर लिया, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि बॉडी में मुझे 3 चीज़ें मिले, 1, 2, 3, 4 चीज़ें मिलेंगी, राइट। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि यूज़र मुझे ये 4 चीज़ें भेजेगा बॉडी में। तो मैंने यहाँ पे एक अदर इफ लगा लिया और मैंने कहा कि यार मैंने कहा कि भाई बॉडी डॉट नेम चाहिए मुझे, अच्छा ये मैंने क्या लॉजिक लगा ली, मैंने ये लॉजिक लगा ली कि इफ़ नॉट बॉडी डॉट नेम, इफ़ नॉट बॉडी डॉट प्राइस और नॉट कैटेगरी और नॉट डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो ये इफ़ चल पड़ेगा। इस इफ़ में मैं क्या बोला, इफ़ में मैंने बोला भाई कि आपका डेटा जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है आपका डेटा, सही है। तो मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सही है, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API। कि अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ना मैं एक लंबी कहानी लिखूँगा, मैं लंबी कहानी क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, सही है, एक तो मैंने ये बात बोल दी। एग्जाम्पल में बता दूंगा अब इसको कि भाई एग्जाम्पल किस तरह की होगी। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या बोलूँगा मैं कि भाई एक अदद जेसन होगा ऐसे करके, रिक्वेस्ट बॉडी, एग्जाम्पल रिक्वेस्ट बॉडी लिखूंगा ना, एग्जाम्पल रिक्वेस्ट बॉडी किस तरह की होगी भाई कि उसमें नेम होगा, कैटेगरी होगी और डिस्क्रिप्शन होगा,
ठीक है, मैंने कहा कुछ इस तरह की बॉडी चाहिए मुझे, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, कैटेगरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। अच्छा, रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो बाई डिफॉल्ट वो समझता है 200 ना, समझता है कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है, तो उसको मुझे एरर का रिस्पॉन्स बनाने के लिए मैं एक स्टेटस लगाऊंगा इस पर, और स्टेटस लगाऊंगा मैं 400। ठीक है, अब 400 स्टेटस क्या होता है कौन बता सकता है मुझे? अच्छा, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, HTTP स्टेटस कोड लिखोगे आप और एंटर करोगे आप, ये पहला डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपको बताता है कि जो HTTP का स्टेटस कोड होता है ना वो क्या होता है। सही है, इन्फॉर्मेशनल होता है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, जो कि डिफ़ॉल्ट में वो भेज रहा होता है वहाँ से। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये 4 और 5, 400 से लेके 499 तक। 404 अक्सर आपने देखा होगा, क्या मतलब होता है? नॉट फाउंड। ठीक है, इसी तरह 400 का मतलब क्या, अभी वो देखेंगे नीचे सारा आ रहा होगा यहाँ पर, देख रहे हो 400 बैड रिक्वेस्ट की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। 401 अनऑथराइज्ड, कि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ और आप लॉगिन वाला काम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, 403 फॉरबिडन, 404 नॉट फाउंड, ये स्टेटस कोड है सारे। ठीक है, उसके बाद आप देखो 500 क्या होता है, तो ये 400 वाली जो सीरीज़ है ये कब भेजते हैं हम? जब यूज़र की तरफ से कोई मसला हो, जो इस्तेमाल करने वाला यूज़र है उसकी तरफ से कोई मसला हो, तो 400 की सीरीज़ में से अप्रोप्रिएट कोड हम तलाश करके भेजते हैं। ठीक है, अच्छा ये 451 पे ये ख़त्म है, अब 451 के बाद आपकी मर्ज़ी, आप अपना भी कोड ऐसे एज्यूम करके भेजते रहो क्लाइंट। अच्छा, सर्वर की साइड से प्रॉब्लम होगी ना, तो हम बोलेंगे 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब बता नहीं रहे कि क्या मसला है, बस कुछ हुआ है सर्वर में। ठीक है, इसी तरह इस पर सर्वर के बहुत सारे एरर्स हमारे पास मौजूद हैं, ये एरर हम जब भेजेंगे जब यूज़र ने बिल्कुल सही डेटा भेजा है, और अगर सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो रिक्वेस्ट हो जाती फुलफिल, जैसे डेटाबेस का डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है, या डेटाबेस में सेव होते हुए कोई फेलियर हो गया, उस तरह की चीज़ों में मैं 500 वाली भेजूंगा। तो फिलहाल मैंने क्या भेजा है, स्टेटस 400 भेजा है, और इसके साथ ये पूरा डेटा लगाकर भेजा है कि भाई इस तरह से डेटा होता तो सेट होता। अच्छा, और ये करने के बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न भी लगा दिया। रिटर्न लगाने से क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट इस पर आई है ना, ये यहीं पे रुक जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपने ये रिटर्न नहीं लगाया तो वो क्या आपको एरर देगा, वो बोलेगा कि भाई HTTP हेडर ऑलरेडी सेंट, और आप उसको दोबारा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एरर आपके पास आ सकता है अगर आप ये रिटर्न नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एल्स वैलिडेशन, अगर इफ़ ये ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब है चारों चीज़ें मौजूद हैं, जब ही ट्रू नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके बोलना है कि लेट न्यू प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या था वो, प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट सही है डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आप पूरा का पूरा एक जेसन क्रिएट करेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें देनी है इसमें, ये चार चीज़ें देनी है, राइट, नेम प्राइस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, और आपने कहा कि भाई बॉडी डॉट करके ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, इसको नई प्रोडक्ट बता दिया कि भाई इस तरह करके बनेगी डॉट क्रिएट करके, सही है। तो मेरे ख्याल अभी इसको यहाँ पे हम रोकते हैं, आप सब लोग अभी नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, वापस आके हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जब ये क्रिएट होता है तो डेटाबेस में फिर कैसे जाता है, फिर हम उसको देखते कैसे। ठीक है, चलो।